नमस्ते बहनों, आज हम तोरण हाफ गेट तोरण बनाने जा रहे हैं। तोरण की पट्टी के वीडियो हम अपने चैनल पर डाल दिए हैं। जो बहनें अभी नहीं देखे हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम साँचा का हाफ गेट तोरण बनाएंगे। देखिए, हमने साँचा से ये बना लिया है। ऐसे ही हमने एक और वीडियो अपने चैनल पर डाले थे, आप लोगों को बहुत पसंद आया था। 1.2 मिलियन हो गई है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस हम बनाएंगे। ये आप यकीन मानिए, ये निकलते नहीं हैं, कितना भी धुलो कुछ भी करो निकलते नहीं हैं। उसका हम लिंक, जो साँचा से हम बनाए हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग देख लेना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हम एक एक करके यहाँ पे एक ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर, वाइट, ऑरेंज, हम यहाँ पे 5 कलर लगा लिए हैं और यहाँ पे टांक दिए हैं अपने तोरण की पट्टी में। इसको हम ज्वाइंट कर दिए हैं। अब चलिए हम इधर आपको टांक के दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, हमने बना के रखा हुआ है। देखिए, ऐसे करके हम जगह जगह पे बराबर से टांक लेंगे। ये अब ग्रीन कलर हम यहाँ पे तोरण के जो बॉर्डर है यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के हम यहाँ पे टांक ले रहे हैं। सुई में धागा डाल के हम उसकी गट्ठी लगा लिए हैं। अब बीचों बीच ऐसे करके देंगे जिससे हमारे निकले ना। अब देखिए, हम इसको ऐसे करके एक यहाँ पे टाँका लगा दिए, एक यहाँ पे करेंगे, फिर एक हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, ऐसे कर दिए हैं। इसको टाइट से खींच देंगे। फिर देखिए, हम यहाँ पे किए हैं एकदम ही बराबर, जैसे एक दूसरे में हल्का हल्का छूता रहे। फिर इसको हम नीचे से करके ऐसे यहाँ निकाल लेंगे धागा को। अब यहाँ पर निकालने के बाद हम इसको टांक लेंगे, फिर ये इसको यहाँ पर भी थोड़ा सा टांक देंगे जिससे कि निकले ना, घस के ना। अब यहाँ से ऐसे सुई में धागा डाल के यहाँ पे निकाल लिए हैं, ऐसे करके ये टक गया हमारा। अब यहाँ से इसको हम ऐसे करके निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। आ देखिए, ये दोनों हमारे लड़े यहाँ पे हो गए हैं। ऐसे ही हम तीसरा रेड कलर वाला भी लगा लेंगे। ऐसे अभी हम वाइट ऑरेंज वाला भी टाँग के आप लोगों को दिखा रहे हैं। नहीं तो देखिए, हम रेड कलर वाला भी आप लोगों को दिखा रहे दे रहे हैं। अब यहाँ से हमें नीचे से यहाँ पे हमने धागा निकाल लिया, ये नीचे से निकाल लिए थे। अब यहाँ पे बीचों बीच इसको रेड वाले को यहाँ पे टांक लेंगे। देखिए, जैसे हम टांके जा रहे हैं वैसे आप लोग भी टांक लेना, फिर अंदर से यहाँ निकाल लेना, फिर यहाँ पे टांकने के बाद ये जो हम लास्ट में धागा निकला रहता है, ये इसको जिससे हम सुई धागा के ही मदद से हम पूरा बांध दें इसे। आप लोग अगर दो कलर से बनाना चाहते हो तो दो कलर से भी बना सकते हो। अगर रंग बिरंग बनाना चाहते हो तो रंग बिरंग बना सकते हो इसे, मगर वाकई में रंग बिरंग बहुत सुंदर लगता है देखने में। आँखों को कोई भी देखता है तो बोलता है, ये प्लास्टिक की आप लोग बनाए हो क्या? तो हम बोलते हैं, नहीं, उलन का है। तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हमारे भी गली में 2-4 जने ऐसे देख के बनाए हैं, कहते मैम बहुत अच्छा लगता है, भाभी जी आपने बहुत अच्छे से बनाया है। आप लोग भी बनाना इसे। ऐसे ही हम आगे ये व्हाइट वाला भी टांक ले रहे हैं और ऑरेंज वाला भी टांक के हम दिखा रहे हैं। इधर का भी हमने टांक लिया है, उस साइड का भी हमने टांक लिया है। अब इसको हमारा बीच में कभी गैप है, अभी हम बीच में एक डिजाइन का एक पैटर्न यहाँ पे डालेंगे। पहले हम यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसको हम काट ले रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम बांधे हुए थे इसलिए हम इसे निकाल दे रहे हैं। देखिए, ये हमने निकाल दिया। अब इसके बराबर हो गया। अब एक हम और कम, इसको एक कम कर दे रहे हैं। एक एक कम करते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, एक हमारा यहाँ है तो एक ये हो गया कम। अब हम ये रेड वाला, देखिए ये येलो के और ये रेड दोनों बराबर हैं, इसलिए हम एक कम करेंगे तो यहाँ से काट दे रहे हैं।
देखिए अब ये वाइट कलर और रेड बराबर है। अब एक इसको भी कम पे ही काटेंगे। देखिए अब ये ऑरेंज कलर और ये वाइट कलर, ये वाला बराबर है, इसलिए एक पे हम कम काटेंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये इसको हम काट देंगे। देखिए अब हमारा एक एक कम होते यहाँ पे चला गया है। अब हम यहाँ पे झलरी लगाएंगे। अभी हम झलरी लगाना आपको बाद में बताते हैं, पहले उस साइड का हम काट लेंगे। ये वाला हमने एक एक कम करके काटा है। देखिए एकदम बढ़िया से हाफ गेट का तोरण का शेप आ गया है। वैसे हम उस साइड का भी काटेंगे। देखिए हमने हाफ गेट में शेप में काट भी लिया था। 1 2 3 4 5 पैटर्न हमने यहाँ पे बिठा लिए हैं। ऐसे हम इस साइड में भी बिठा लिए थे। अब यहाँ पे हम बीचों बीच जो हम शेप आप मैंने बताया था आप लोगों को ना कि बीचों बीच थोड़ा सा शेप इसमें अलग देंगे। और इससे पहले हम आपको बता रहे हैं एक कलर जैसे ग्रीन का है तो हमने तीन बार सांचे में लपेट के तीन लड़ हमने निकाला है। अगर जितने कलर आप डालना चाहते हो तो तीन तीन लड़ आप लोग लपेट लेना। हमने इसमें 5 कलर का यूज किया है। यहाँ पे देखिए ऑरेंज, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, हम 5-5 या 15 हम लड़ियाँ बना चुके हैं इसके लिए। हम इस गेट के लिए तोरण के 15 लड़ियाँ बनाए हुए हैं, आप लोग भी बना लेना। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले ग्रीन लगाया था, अब यहाँ से हम ग्रीन लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमने येलो लगाया था, अब येलो लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने रेड लगाया था, हम रेड लगाएंगे। फिर उसके बाद हम व्हाइट लगाए थे, फिर हम येलो लगाए थे, सॉरी ऑरेंज है ये, ऑरेंज लगाए थे। ऐसे ही हम अभी यहाँ पे बराबर से टाँक ले रहे हैं। फिर आपको हम दिखाएंगे जैसे हमने ये टाँका था सेम वैसे ही इसको भी टाँकेंगे। हमने बोला था ना यहाँ पे हम 5 लगा लेंगे, तो ग्रीन, येलो, रेड, वाइट, ऑरेंज हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब देखिए हम यहाँ पे 2 4 1 5 ऑरेंज तक बनाए थे, फिर हम एक ग्रीन और ऐड कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली खाली लगता है। अब यहाँ पे एक ग्रीन ऐड कर दिए हैं, एक इस साइड में मैं ग्रीन ऐड कर दी हूँ। अब 2 ग्रीन इधर हो गया है, 2 ग्रीन इधर हो गया। अब बीच में हम पैटर्न निकालेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे येलो कलर लगा लिए, रेड, वाइट, ऑरेंज। अब ऑरेंज के बाद हम यहाँ पे फिर से लगाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये ऑरेंज बीचों बीच आया था। अब यहाँ पे हम ग्रीन के बाद हम येलो यहाँ पे लगा ले रहे हैं, फिर येलो के बाद हम रेड लगाएंगे। देखिए रेड लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम वाइट लगाएंगे, यहाँ पे बांध देंगे, हमारे पूरे पैटर्न बराबर हो जाएंगे। अभी हम सिल के आप लोगों को दिखा रहे हैं। 1 2 3 हमें और टांकना है, बाकी हम इसको तो बीच ऑरेंज पे यहाँ पे टांग दिए हैं। देखिए हमने यहाँ पे जो हम बोले थे पैटर्न, हमारा ये पैटर्न निकल गया है। यहाँ पे हमने पहले बीचों में ऑरेंज लगाया था, फिर उसके अगल बगल वाइट कर दिए, फिर उसके बाद हमने रेड कर दिया था, फिर येलो वाला कर दिया था दोनों तरफ। ये जो ग्रीन हमने यहाँ पे लगा लिया था इसलिए हम बीच में पैटर्न नहीं दिए हैं। ग्रीन में आप लोग जैसे एक वाइट एक ग्रीन करके झलरियाँ लगा सकते हो। हमारे पास अभी ग्रीन ये वाले कलर नहीं है इसलिए हम यहाँ पे झलरियाँ दूसरे कलर की लगाएंगे। आप लोगों को मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करती हूँ कि ग्रीन ही है, थोड़ा सा ज़्यादा लेके ग्रीन रहे आप लोगों के पास तो लगा लेना ग्रीन वाइट की झलरियाँ बनाना। अब देखिए हम बता रहे हैं पैटर्न के बारे में बीचों बीच। यहाँ पे हमने येलो जब लगाया था और उसके बाद हम रेड लगाए तो येलो हम 3 यहाँ पे 1 2 3 हमारे फ्लावर बने हुए हैं, 3 हुआ। 4 हम इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, 1 करें फिर 2 करें फिर 3 करें फिर 4 करें, इसीलिए हमने 3 किया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 एक 6 आ गया, बीच में हमने 7 दे दिया, इसको भी 6 किए, इसको 5 किए, इसको 3, इसलिए जिसे देखने में शेप भी आ जाए और अच्छा भी लगे।
आप लोग देखे ही थे, हम यहाँ पे 5 किए थे साइड में, फिर ग्रीन वाला यहाँ बहुत, अगर हम 2 यहाँ पे करते हैं ये बहुत ज़्यादा बीच में हाफ गेट की तरह नहीं लगता, खाली खाली दिखता। तो कोई भी चीज़ बनाओ जिससे आँखों को भी अच्छा लगे और कोई देख के भी, तीज त्यौहार पे हम इसको तोरण को लगाएंगे जिससे उन लोगों को भी अच्छा लगे, हाँ आपने बनाया कोई चीज़ अच्छे से बनी है। इसलिए हमने यहाँ पे 6 लटकन का ये पूरा पैटर्न 6-6 का कर दिया है। इस साइड भी हमारा 6 हो गया है, उस साइड भी हमारा 6 हो गया है, 1 2 3 4 5 6 6 का यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 4 6 7 पड़ गए क्योंकि ये लास्ट वाला हमारे 7 है। अब इसमें हम झलरी लगाएंगे। चलिए हम झलरी बनाना आप लोगों को बता रहे हैं। व्हाइट कलर से हम झलरियाँ बनाएंगे। देखिए 4 अंगुल में हम यहाँ पे 4 अंगुल ऐसे किए हैं सीधा सीधा, ये दूसरी बार, एक तो आधा ही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36 37 48 49 40 41 45 45 हमने किया है। इसमें थोड़ी सी मोटी झलरियाँ रहेंगी तभी अच्छी लगेंगी। इस तोरण में ऊन लगता है, जितना ही ऊन ज़्यादा लगा के आप बनाओगे उतना ही ये अच्छे से निखर के आता है। देखिए ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, इसको बांध लेंगे। 2 बार हमने कर दिया, एक बार और कर दे रहे हैं, इससे क्या होता है छूटता नहीं है। अभी ऐसे हम काट देंगे। देखिए झलरी बन के तैयार हो गई है, ऐसे हम झलरियाँ बना लिए हैं, अब लगाना आप लोगों को बताएंगे। देखिए हमने इसके बीचों बीच आप लोग ऐसे करके निकाले जिससे बीचों बीच रहे, अब ऐसे कर लिए हैं। सुई धागा में गांठ लगा लेना, देखो कितने अच्छे से झलरियाँ आई है मोटी मोटी, ऐसे बनाना है। जिन बहनों को जैसे, अब देखिए हम बीचों बीच इसके पोम पोम के टाँक रहे हैं, ये आराम से आगे झल रही ना, फिर ये बगल से ऐसे निकाल के डाल दें, फिर एक बार और कर देंगे। इसलिए हम बार बार इसको अच्छे से टांगते हैं क्योंकि ये निकलता नहीं है। जब हम बुनाई नहीं किए हैं तो थोड़ा ध्यान देना होगा सिलाई में जब भी, और जो बहनों को क्रूसिया चलाना नहीं आता है, वो बुनाई नहीं कर सकती हैं, उनके लिए ये तोरण बहुत अच्छा है, ये बना लेंगी। जैसे अब तोरण की पट्टी बनानी हुई, ऊन ले आ लिए, और फिर उसके बाद 3 रंग की पतली पतली चोटियाँ बना के एक दूसरे में ऐसे करके ज्वाइंट करके सिल लेंगी। अगर बीच में मोती भी लगाना चाहती हैं तो मोती भी लगा लेंगी और बहुत अच्छे से बना लेंगी। और उनको ये नहीं होगा कि हमको नहीं क्रूसिया चलाना आ रहा है तो हम तोरण नहीं बना पा रहे हैं, वो आराम से बना लेंगी। और ये तोरण मेरा सबसे, मैं बुनाई कर लेती हूँ मगर ये सबसे अच्छा मुझे लगता है। ये जब बनता है ना तीज त्यौहार में हम अपने घरों में लगाते हैं तो सभी पूछते हैं कैसे बनाएं, ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है दूर से कि जैसे ये कुछ माला या फूल का, कैसे रंग बिरंग फूल का हम बनाए हैं। देखिए हमारी झलरी लग गई है, ऐसे ही हम सभी में लगा लेंगे। और हम पहले भी हम तोरण बनाए हैं, हम अपने दीपावली पे लगाए थे, आज हम वो उसको उतार के आप लोगों को दिखा रहे हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। अब हमें हो गया धीरे धीरे 1 साल, क्या 10 महीना हो गया होगा बनाए, और हम यूज करते हैं उससे। 1 मिनट में हम दिखा रहे हैं आपको। ये हम दीपावली को लगाए हुए हैं और ये काफ़ी बड़ा है, मैं अपने मेन गेट पे इसे अब दीपावली से रेगुलर लगाती हूँ। थोड़ा सा गंदा है, इसके लिए माइंड मत करना है आप लोग। देखिए बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है और इसको हम 3 बार धुल चुके हैं अभी तक जब से हम बनाए हैं। इसी का जैसे हम साँचा से यूज किए थे ना, इसी का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। आप लोग प्लीज़
इसको देख के जरूर एक बार सांचा वाला ये ट्राई करना तोरण। आप लोगों को कैसा लगा इसको कमेंट करके भी बताना है। देखिए इसमें हमने बीच बीच में क्या शेप दिया है, सिर्फ गोल ट्रायंगल दे दिया है, गोल शेप दिया है, ट्रायंगल नहीं। ट्रायंगल तो अब वाले तोरण में हमने दिया है, बीच में जो पैटर्न डाले हैं वो ट्रायंगल था। और ये देखिए बीच में हमने ये गोल शेप दे दिया है और 2, 4, 6, 8, 9 हमारे उसमें 6 आए हैं, इसमें 9 आए हैं, एक साइड में 9 इस साइड में है, क्योंकि मेन गेट हमारा थोड़ा सा बड़ा है, गेटों से बड़ा है इसलिए हमने बनाए। इससे पहले हम मरून व्हाइट इसी में का बनाए थे, वो हाफ गेट का शेप दिए थे, बीच में कोई वहाँ पे डिजाइन नहीं थे, सिर्फ हाफ गेट का हम बनाए थे। वो भी हम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर आप लोगों को वो पसंद आए तो वो भी बनाना, देखना। हमारे पास अभी तीसरा मैं बना रही हूँ, अगर ये ख़राब होते तो हम तीसरा नहीं बनाते ना, आप लोगों को बताते हैं। देखिए हमने झलरियाँ लगा लिया है, अब हमारी झलरी लग के ये तोरण बन के हाफ गेट का कंप्लीट हो गया है। हमने ऑरेंज और व्हाइट में लगाया है, आप लोग इसमें जैसे हमने ऑरेंज लगाया आप ग्रीन लगाओगे व्हाइट कलर की झलरियाँ तो और सुंदर लगेगी। मेरे पास ख़त्म हो गए थे ग्रीन कलर की, इसलिए हमने ऑरेंज और व्हाइट का झलरी लगा दिया है। कैसा लगा ये हाफ गेट का तोरण? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करना। और अगर ये कलर कॉम्बिनेशन भी आप लोगों का पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताना। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।